नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुल्तानी मिट्टी के उपयोग से होने वाले कुछ लाभों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मुल्तानी मिट्टी का उपयोग पुराने समय से ही किया जाता रहा है, लेकिन आजकल तरह तरह के शैम्पू और साबुनों के आ जाने से मुल्तानी मिट्टी की अहमियत घट गई है। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन के लिए बेहद लाभकारी होती है, तो आइए जानते हैं मुल्तानी मिट्टी के क्या क्या लाभ हैं, इसके उपयोग से आप किस किस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी प्रकृति की देन है, जिसके उपयोग से आप अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज के आधुनिक समय में यह अपनी पहचान खोता जा रहा है। मुल्तानी मिट्टी को किस प्रकार से लगाना है, इस बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रात के समय थोड़े से दूध में काजू को भिगोकर रख दें। अगले दिन सुबह के समय दूध और काजू को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर एक मिश्रण बनाएं। उसमें यदि थोड़ा सा शहद भी मिला दें तो यह एक स्क्रब की तरह काम करेगा। इसे अपने चेहरे पर लगाकर कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद पानी के साथ चेहरे को साफ कर लें। आपकी रूखी स्किन में जान आ जाती है। नंबर दो, मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करके बालों को सुंदर बनाएं। बालों को सुंदर बनाने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। एक बड़े कटोरे में मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोल लें। जब मुल्तानी मिट्टी पानी में अच्छी तरह से घुल जाए तो इसे बालों में अच्छी तरह से लगा लें। जब यह सूखने लगे तो हल्के गर्म पानी से बालों को धो लें। इस उपाय को करने से आपके बाल चमकदार, सुंदर और स्वस्थ हो जाते हैं। नंबर तीन, मुल्तानी मिट्टी के उपयोग से स्किन को बेदाग बनाएं। यदि आपकी स्किन तेलीय है तो यह आपकी स्किन के लिए बेहद असरदार साबित होती है। मुल्तानी मिट्टी में दही और पुदीने की कुछ पत्तियों को तोड़कर पेस्ट बना लें। इस तैयार मिश्रण को चेहरे से लेकर गर्दन तक अच्छी तरह लगाएं। जब यह लेप सूख जाए तो इसे हल्के गर्म पानी से धो ले। इस उपाय को करने से चेहरे पर जमा हुआ अतिरिक्त तेल हट जाएगा और आपका चेहरा बेदाग हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको दी है, जिसका उपयोग करके आप विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हमारी ऐसी ही अन्य जानकारियों को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।